आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पाई होल और रेसबेरी पाई की मदद से कैसे अपना एड ब्लॉकर बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड सभी डिवाइस या पर्टिकुलर डिवाइस पर वेबसाइट्स जैसे कि न्यूज़, ब्लॉग, फोरम्स या डिवाइस के एप्लीकेशंस पर आने वाले एड्स को ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे कि आप उसका बेहतर तरीके से यूज ले पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। पाई होल एक नेटवर्क लेवल एड्स और इंटरनेट ट्रैकर ब्लॉकिंग टूल है, जो कि डीएनएस सिंक होल की तरह कार्य करता है, यानी ये एड्स को डीएनएस लेवल पर ब्लॉक करता है। अभी आप एड्स को ब्लॉक करने के लिए एड ब्लॉकर को प्रत्येक ब्राउजर या प्रत्येक डिवाइस पर इंस्टॉल करते हैं, पर यहाँ पर पाई होल की मदद से पूरे नेटवर्क पर कनेक्टेड सभी डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल्स, स्मार्ट टीवी आदि पर आने वाले एड्स को ब्लॉक किया जा सकता है। पाई होल ट्रेडिशनल एड ब्लॉकिंग के साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस जैसे कि गेम्स या स्मार्ट टीवी पर भी एड्स को ब्लॉक कर सकता है। ये एड ट्रैप डिवाइस का ओपन सोर्स रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर पाई होल का किसी लिनक्स मशीन या क्लाउड पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है और उसको वहाँ पर यूज़ लिया जा सकता है। जैसे कि आप इसको आसानी से रेसबेरी पाई 0W, रेसबेरी पाई 3 या 4 पर आसानी से सेटअप कर सकते हैं। ये एक फ्री ओपन सोर्स टूल है। ये मॉडर्न आईपी वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है। इसमें आप अपने हिसाब से डीएनएस क्वेरीज में ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट सेट कर सकते हैं। वेबसाइट्स एप्लीकेशंस पर आने वाले एड्स काफ़ी परेशान करते हैं। कई वेबसाइट्स पर तो इतने ऐड आते हैं जैसे कि वो ऐड की ही वेबसाइट हो और उसमें मेन कंटेंट तो केवल ऐड की तरह थोड़ा सा ही दिखता है। तो पाई होल के द्वारा इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको अपने रेसबेरी पाई पर कैसे इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हैं। आप यहाँ पर इसके सेटअप के लिए रेसबेरी पाई 0W, रेसबेरी पाई 3 या 4 का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेसबेरी पाई 4 का मॉडल भी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी माइक्रो एसडी कार्ड की, यूएसबी कार्ड रीडर या अडैप्टर के साथ, स्टोरेज के लिए। बाकी आप यहाँ पर अपने ज़रूरत के हिसाब से हार्डवेयर एसेसरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेसबियन ओएस की इमेज को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप ये लिंक अपने ब्राउज़र पर ओपन कर लीजिए। आप यहाँ से रेसबियन बस्टर की इमेज को अपने रेसबेरी पाई के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर टोरेंट के द्वारा या इसकी जिप फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस इमेज को अपने माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर फ्लैश करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एचआर सॉफ्टवेयर की। आप यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर फ्री है और तीनों मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। आप इसको मैक, विंडोज़ और लिनक्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे सिस्टम पर पहले से ही इंस्टॉल है और यहाँ पर मैंने रेसबेरी ओएस की इमेज को पहले से डाउनलोड किया हुआ है। ये रेसबेरी बस्टर की इमेज है। अभी आप इस ओएस इमेज को एचआर सॉफ्टवेयर की मदद से अपने माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर फ्लैश कर लीजिए। मैक, लिनक्स, विंडोज़ सभी के अंदर ये सेम ही प्रोसेस है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी रेसबेरी ओएस की इमेज हमारे माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पाई होल का सेटअप करना होगा। तो आप यहाँ पर इसका सेटअप SSH के द्वारा या डायरेक्ट अपने रेसबेरी पाई से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को कनेक्ट करके कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रेसबेरी ओएस बूट हो चुका है। अभी आप इसको यहीं से सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप यहाँ पर अपने रेसबेरी पाई के अंदर इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर इथरनेट केबल के द्वारा या वाईफाई के द्वारा इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आप यहाँ पर इसका सेटअप कर सकते हैं। पर यदि आपके पास एक्सटर्नल डिस्प्ले नहीं है तो आप इसको यहाँ पर SSH के द्वारा भी सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इसके बूट पार्टीशन के अंदर SSH नाम से फाइल बनानी होगी। आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने SSH नाम से फाइल बना दी है। यदि आप यहाँ पर विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस फाइल को नोटपैड के द्वारा या कमांड प्रॉम्प्ट से कॉपी कॉन कमांड के द्वारा बना सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इसको SSH के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन किया। इसके लिए आप अपने रेसबेरी पाई को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर इथरनेट या वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं और आईपी स्कैनर की मदद से आप अपने रेसबेरी पाई की आईपी को फाइंड कर लीजिए और यहाँ पर कमांड लगाइए SSH PI @ और आपके रेसबेरी पाई की आईपी, इसको यहाँ पर यस कर दीजिए और यहाँ पर रेसबेरी पाई का पासवर्ड टाइप कीजिए। इसका पासवर्ड है रेसबेरी। ये देखिए, हम यहाँ पर इससे कनेक्ट हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पर इसका सेटअप कर सकते हैं। विंडोज़ ओएस के अंदर भी आप ये सेम कमांड ही लगा सकते हैं या फिर विंडोज़ ओएस में SSH कनेक्शन के लिए आप यहाँ पर पट्टी सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पाई होल का सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पाई होल को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
आप यहाँ से जान सकते हैं कि हम पाई होल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल करने के स्टेप दे रखे हैं, जैसे कि ये देखिए, आप यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कमांड दे रखी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के अलग अलग मेथड मिल जाएंगे, तो आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक कमांड कॉपी कर ली और इसको मैंने अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पाई होल का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही सारे पैकेज इंस्टॉल कर देगा, जिसकी भी यहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ेगी वो सारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके सेटअप में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए, ये यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये आपकी डिवाइस को नेटवर्क वाइड एड ब्लॉकर में ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो आप इसको यहाँ पर ओके कर दीजिए। यहाँ पर पाई होल फ्री और ओपन सोर्स है, तो आप इसको यहाँ पर डोनेट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डोनेशन की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी डिवाइस की स्टैटिक आईपी रखिए। स्टैटिक आईपी को आप यहाँ पर मैन्युअली सेट कर सकते हैं, ये मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद इंटरफेस सेलेक्ट कीजिए कि आप यहाँ पर कौन से इंटरफेस का यूज़ करना चाहते हैं, ईथरनेट या WLAN 0। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा WLAN 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। इसको मैंने ओके किया। उसके बाद चूज़ कीजिए DNS प्रोवाइडर कि आप यहाँ पर कौन सी DNS का यूज़ करना चाहते हैं, गूगल, ओपन DNS, कोमोडो, DNS वॉच, क्लाउड फ्लेयर, या आप यहाँ पर कोई कस्टम DNS यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गूगल का। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड को ब्लॉक करने के लिए ये थर्ड पार्टी लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर मैं किस किस का यूज़ करना है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट कीजिए प्रोटोकॉल कि आप यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं। ये यहाँ पर IPv6 को भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पर ये नेटवर्क सेटिंग के लिए पूछ रहा है। यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। तो उसको यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर वेब एडमिन इंटरफेस को ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। वेब सर्वर को ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं, इसको भी यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया। लॉग क्वेरीज को ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर अपना प्राइवेसी मोड भी सेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सब कुछ शो करना चाहते हैं या डोमेन्स को हाइड रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने शो एवरीथिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी सेटिंग सेलेक्ट की हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ये कॉन्फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सेटअप होने में करीब 2 से 3 मिनट लगेंगी। और ये देखिए, यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर DNS सर्वर क्रिएट हो चुका है। आप इसके यहाँ पर IPv4 की IP देख सकते हैं। यहाँ पर IPv6 कॉन्फिगर नहीं है। तो अभी हमारा रेसबरी पाई एक DNS सर्वर बन चुका है जो हमारी DNS क्वेरीज को फिल्टर करके आगे फॉरवर्ड करेगा। हमें यहाँ पर इस IP को अपने DNS सर्वर के तौर पर यूज़ लेना होगा एड्स को ब्लॉक करने के लिए। ये हमारे एडमिन वेब पेज का पासवर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए, या आप यहाँ पर इस डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमारे वेब इंटरफेस का लिंक है, आप इसकी मदद से पाई होल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिंक दे रखी है, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर अपने वेब इंटरफेस का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर नीचे कमांड दे रखी है, आप इस कमांड को यहाँ पर लगा दीजिए, pi hole -a और -p। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ब्लैंक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र पर इसका वेब इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी IP टाइप करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पाई होल का वेब इंटरफेस ओपन हो चुका है और ये इसका डैशबोर्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी क्वेरीज आई और यहाँ पर इतने कितनी DNS क्वेरीज को ब्लॉक किया, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने रेसबेरी पाई का स्टेटस भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, इसका कितना टेम्परेचर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉगिन में जाकर आप इसको यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए अपना पासवर्ड टाइप कीजिए, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्वेरीज का लॉग देख सकते हैं, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट देख सकते हैं, आप इनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एड ब्लॉकर को डिसेबल कर सकते हैं, तरह तरह के टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर वेब इंटरफेस से ही मैनेज कर सकते हैं। आप सेटिंग्स पर जाकर इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप यहाँ से क्वेरी लॉगिंग को डिसेबल कर सकते हैं या क्वेरी लॉग को फ्लश कर सकते हैं, DNS रिजॉल्वर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं या इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉक लिस्ट पर जाकर आप यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ब्लॉक URL को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कोई नया URL ऐड कर सकते हैं। अपने DNS सर्वर को अपडेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन सा DNS यूज़ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
या फिर आप यहाँ पर कोई अपना कस्टम DNS भी दे सकते हैं, इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से DHCP की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने पाई होल को वेब इंटरफेस से ही मैनेज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम इसकी मदद से अपने नेटवर्क पर कैसे एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने अपने विंडोज़ OS के अंदर इसको ओपन किया हुआ है और यहाँ पर कुछ वेबसाइट ओपन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन वेबसाइट्स के अंदर ऐड आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ ऐड लगे हुए हैं। ये speedtest.net है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐड लगे हुए हैं। ये टैग क्रंच की वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी ऐड देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऐड ब्लॉकर को इनेबल करते हैं। आप यहाँ पर पाई होल ऐड ब्लॉकर को अपने पूरे नेटवर्क पर सेट कर सकते हैं जिससे कि आपके नेटवर्क से कनेक्ट सभी डिवाइस पर ऐड ब्लॉक हो जाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर अपने राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ऑटो DNS के बजाय मैनुअल DNS सेट कर दीजिए। ये सेटिंग अलग अलग राउटर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो आप यहाँ पर अपना मैनुअली DNS सेट कर दीजिए। मैनुअली DNS के अंदर हम यहाँ पर अपने रेसबेरी पाई की IP टाइप करेंगे जो हमने वहाँ पर कॉन्फ़िगर की थी, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ही आपके पूरे नेटवर्क पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिससे कि आपके नेटवर्क से कनेक्ट सभी डिवाइसेस पर ऐड ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे। पर मान लीजिए, यदि आपके पास राउटर नहीं है, आपने यहाँ पर इंटरनेट को अपने मोबाइल से चलाया हुआ है या आपके राउटर के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको इसको प्रत्येक डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मान लीजिए आप यहाँ पर विंडोज़ OS का यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसकी अडेप्टर सेटिंग ओपन कर लीजिए। अपनी अडेप्टर सेटिंग की प्रॉपर्टी पर जाइए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की प्रॉपर्टी ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर मैनुअली DNS सर्वर को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक की बजाय आप इसको यहाँ पर मैनुअली सेट कर लीजिए और अपने DNS सर्वर की IP यहाँ पर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अपने रेसबेरी पाई की IP टाइप कर दी। आप यहाँ पर अल्टरनेट DNS भी टाइप कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद ही आपके इस डिवाइस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर वेबसाइट्स को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों वेबसाइट रीलोड की और ये देखिए, आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी क्वेरीज आ रही हैं। आप यहाँ पर ब्लॉकिंग परसेंटेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने परसेंट DNS क्वेरीज ब्लॉक हुई हैं। अभी हम यहाँ पर वेबसाइट्स को चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐड गायब हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी ऐड शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्पीड टेस्ट से सारे ऐड गायब हो चुके हैं, अभी यहाँ पर कोई भी ऐड शो नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पर काफ़ी सारे ऐड आ रहे थे, अभी यहाँ पर वेबसाइट से सारे ऐड्स गायब हो चुके हैं। आप यहाँ पर क्वेरीज़ का लॉग देख सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर क्वेरीज़ को वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। जिसको आपको देखना है आप उसको वाइट लिस्ट में डाल दीजिए, जिसको आपको नहीं देखना उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। यदि आप इसको टेम्पररी डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको 30 सेकंड के लिए डिसेबल कर दिया, तो यहाँ पर ये 30 सेकंड के लिए डिसेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऐड आना वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया, ये देखिए, यहाँ पर सारे ऐड वापस आ चुके हैं। अभी यहाँ पर टाइमर चल रहा है, ये टाइम ख़त्म होने के बाद ये वापस से इनेबल हो जाएगा, या फिर आप इसको यहाँ पर परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे ये यहाँ पर डिसेबल ही रहेगा। अभी हम देखते हैं कि हम इसको अपने स्मार्टफोन पर कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको एंड्रॉयड या iOS पर सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अपने iPhone के अंदर Wi-Fi को कनेक्ट किया। तो पहले हमें यहाँ पर मैनुअली DNS को सेट करना होगा। इसको यहाँ पर मैंने ओपन किया और मैंने टैप किया कॉन्फ़िगर DNS पर, तो आप यहाँ पर DNS को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैनुअली सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपने रेसबेरी पाई की IP डाली हुई है। आप यहाँ पर कोई भी DNS सर्वर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस डिवाइस पर ऐड ब्लॉकर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट ओपन है, यहाँ पर ऐड्स आ रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पर वेबसाइट रीलोड हो रही है और ये देखिए, यहाँ से ऐड्स जा चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐड दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आज तक की वेबसाइट ओपन की, यहाँ पर भी कोई ऐड नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐड वाली जगह खाली आ रही हैं, वहाँ पर कोई भी ऐड शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस या गेम्स के अंदर ऐड आते हैं वो भी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट की एप्लीकेशन ओपन की और यहाँ पर मैंने इसको रन कराया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी ऐड शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। अभी एप्लीकेशंस के अंदर से भी ऐड ब्लॉक हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐड शो नहीं हुआ।
यदि आप इसको बिना एड ब्लॉकर के यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ऐड दिखाई देंगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने वाईफाई को ऑफ़ कर दिया है और अभी यहाँ पर ऐड आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको किसी भी डिवाइस पर सेट कर सकते हैं। यदि आप इसको एंड्रॉयड पर कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर वाईफाई सेटिंग पर आ जाइए और अपने वाईफाई को ओपन कीजिए। उसके बाद जाइए एडवांस ऑप्शन पर और यहाँ पर आईपी सेटिंग्स में स्टैटिक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मैन्युअली डीएनएस सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप अपना डीएनएस सर्वर सेट कर दीजिए। उसके बाद आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर भी एड ब्लॉकर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने काफ़ी एड्स को ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कितनी डिवाइस पर कॉन्फिगर हुआ है। यहाँ पर टोटल 3 क्लाइंट कनेक्ट हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पाई होल का सेटअप कर सकते हैं और इसको अपने पूरे नेटवर्क या पर्टिकुलर डिवाइस पर कॉन्फिगर कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर उस डिवाइस पर कोई भी ऐड शो नहीं होगा। तो ये ऐड को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी बढ़िया टूल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप पाई होल को अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पाई होल के लॉक को फ्लश कर सकते हैं, इसको रिकॉन्फिगर कर सकते हैं, क्वेरीज की लिस्ट देख सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसका स्टेटस देख सकते हैं, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। वो सब आप यहाँ पर कमांड लाइन से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कमांड लगाया पाई होल स्टेटस, ये देखिए यहाँ पर पाई होल ब्लॉकिंग इनेबल है, यहाँ पर डीएनएस सर्विस भी इनेबल है। यदि आप यहाँ पर पाई होल को रिकॉन्फिगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमांड लगा दीजिए पाई होल -R, उसके बाद आप इसको रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिकॉन्फिगर कर लीजिए। आप इसको यहाँ पर रिपेयर या रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पाई होल का आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।